ऑल राइट सो ना, अभी मैं आर्ट पार्क पोरवरी में हूँ, ठीक है। और आर्ट पार्क आप लोगों को पहले भी दिखाऊँ, रात को कभी नहीं दिखाया हूँ, ठीक है। तो अभी सीन कैसा है, सामने प्रोजेक्टर में क्या क्या चल रहा है मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ का सीन आप लोगों को मालूम नहीं, अभी लाइट आ रहा होगा ना, मैं फिर से आपको डर लग रहा होगा, देखिए कहाँ मैं क्लब में नहीं हूँ ब्रो, क्लब में नहीं हूँ मैं, ठीक है। एक बार बैक कैमरा करता हूँ, सीन दिखाता हूँ। यहाँ पे आर्ट पार्क में ना ऐसे यहाँ पे मैच वगैरह चलता है। अभी थोड़ी देर पहले ना फीफा चल रहा है ना, आप लोगों को मालूम होता है, यहाँ पे फीफा मतलब वर्ल्ड कप का मैच चलते रहता है, इंडिया पाकिस्तान का मैच चलता है, यहाँ पे चलते रहता है वो सब, है ना। बाकी यहाँ पे ऐसे बैठने का अरेंजमेंट है, नीचे यहाँ पे छोटे छोटे स्पीकर्स लगे हुए हैं, तो पूरा वार्म अरेंजमेंट रहता है, मज़ा आता है यहाँ पे, बहुत मज़ा आता है, मेरे को तो मज़ा आता है। तो बस इसीलिए मैं यहाँ पे आके बैठता हूँ। अभी शाम का टाइम है ना, 6:30 बज रहा है, ठीक है भाई। लाइट देख के आप लोग डर रहे हो ना, क्लब नहीं है ब्रो, ये ऐसा ही होता है यहाँ पे, है ना। तो अभी शाम का टाइम आके बैठा हूँ, अपन नाश्ता वाश्ता करेंगे आराम से, यहाँ पे टाइम पास काटेंगे इसी में, फुल चिल में, ठीक है। ये अभी सीन काटेंगे यहाँ पे। बाकी दिन मैं देखता था ना यहाँ पे बहुत भीड़ होती थी, आज यहाँ पे भीड़ ही नहीं है, पूरा का पूरा खाली है, पूरा खाली। दिन ना आर्ट पार्क के अंदर का ही है, मतलब अभी अपन उस तरफ में बैठे थे ना, अभी इधर आके मैं साइड में बैठा हूँ। यहाँ पे भी देखो ना पूरा ग्रास वास लगा हुआ है, बहुत मज़ा आता है यहाँ पे, है ना। और ये यहाँ पे आर्ट ऐसा बना हुआ है बहुत बार, बहुत सारा, मतलब वहाँ पे देखो नाम वगैरह भी लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी सीन है, मालूम क्या मैं कैसा प्लान किया था, मैं मेरे को ना बहुत मज़ा आता है ऐसी जगह पे आ जाओ, ठीक है। और मैं अभी सामने में ना यहाँ पे शावरमा मिलता है, एक शावरमा लेके आया हूँ मैं, ठीक है। तो अभी अपन यहाँ पे शावरमा खाएंगे, उधर स्क्रीन में पिक्चर देखेंगे, मूवीज़ भी चलती हैं यहाँ पे, अभी तो फिलहाल कबड्डी चल रहा है, तो वही देखेंगे और टाइम काटेंगे, और बाकी अपन व्लॉग भी करते रहेंगे साथ साथ में, ठीक है। तो बस क्या, चलो। एक चीज़ है भाई, गर्मी बहुत ज़्यादा है गोवा में। अरे नीचे फाउंटेन वगैरह छोटे छोटे लगा ना, अच्छा लगता है यहाँ पे, बहुत ही शांत माहौल। 80% टाइम ना आप लोग बता दूँ खाली कपल से भरा होता है भाई जगह, गोवा में कहीं भी जाओ बस और बस कपल्स, दिमाग खराब हो गया मेरे देख देख के, छोड़ो ये सब। शावरमा ऑन है, ठीक है, अभी वहाँ पे स्क्रीन में मैच देखते हैं, शावरमा खाते हैं, मज़ा बहुत आएगा, इसको खा के रिकॉर्ड करूँगा। देखा तो रिकॉर्ड करने बनेगा नहीं, ठीक है, लाइक मेरे को खा ले दो प्लीज़। यहाँ पे ना स्क्रीन का लाइट मतलब बहुत ज़्यादा तेज़ है, तो ना दिख नहीं रहा है मेरे को कि चल क्या रहा है, वैसे तो दिख रहा है सामने, ऐसे नहीं दिख रहा है। अब बाकी ये तो पूरा भी खाली हो गया है, पूरा का पूरा ऐसा कुछ सीन आ गया है यहाँ पे। भाई मेरे को भी इधर ना आधे घंटे हो गए, गर्मी बहुत ज़्यादा, इसे देख रहा हूँ मेरे को, मतलब ठंड के नवंबर एंडिंग में दिसंबर के स्टार्टिंग में ऐसे कपड़े पहन के घूम रहा हूँ, ठीक है। गोवा है, बहुत ज़्यादा गर्मी है, अभी मेरे को यहाँ पे बर्दाश्त नहीं होगा, मैं जा रहा हूँ भाई AC में आराम से अपन बैठेंगे, निकलता हूँ यहाँ से, नहीं झेल पाऊँगा मैं इतना गर्मी, बर्दाश्त ही नहीं होगा भाई। पूरा देख लो फेस पे ऑयल 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 हो जाता है ना, मज़ा नहीं आता है मेरे को, चलते हैं। मेरे को ऐसा लगता है ना यहाँ पे ठंड का मौसम आता ही नहीं, बरसात के मौसम में सीधा गर्मी का मौसम, गर्मी लग रहा है यहाँ पे। आप लोग यहाँ से वहाँ तक वॉक कर लोगे ना तो गर्मी में पागल हो जाओगे, पसीने से भीग जाओगे, ऐसा हो जा रहा है। चलते हैं बाकी क्या कबड्डी देखेंगे, पहले पुराना मैच दिखा रहे सब हाईलाइट्स दिखा रहे हैं, चलते हैं चलते हैं। ये पार्क का चारों कोना पाँचों कोना क्या दिखाते, पीछे में घर है, ठीक है, और इधर में सीन है थोड़ा सा बस, और क्या इधर ऐसा कुछ माहौल रहता है। बाकी अपन चलते हैं, अभी 7:30 बज गया, मैं 6 बजे का आया हुआ था, है ना, क्या ही बैठेंगे यहाँ पे इतनी देर। बाकी ये सब बहुत अच्छी लगी हुई यहाँ पे, डेकोरेशन वगैरह ना सही है। एंट्रेंस मैं निकल गया वहाँ से, मैं सोचा कि अभी क्या बैठूँगा यहाँ पे इतनी देर, मज़ा नहीं आता, गर्मी बहुत ज़्यादा लगती है मेरे को, पता नहीं क्यों पूरा पसीने से भीग जाता हूँ थोड़े थोड़े देर में ही, है ना। और चलते हैं अभी रूम यहीं पर, मेरा बाजू में ही है, मैं यहाँ पर आके बैठते रहता हूँ, नहीं क्या, तो चलते हैं। गोवा आप लोग को लगता होगा ना जन्नत है, बहुत मज़ा आएगा, गोवा चलेंगे दोस्तों के साथ, प्लान करेंगे, कुछ नहीं बस और बस दारू पियोगे, मैं बता दे रहा हूँ मैं, और कुछ नहीं कर पाओगे। बाकी जो नहीं पीते भाई आना ही मत गोवा, मेरा पर्सनल एडवाइस है, वो ख़राब नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन लाइफ लॉन्ग टर्म के लिए यहाँ पे इन्जॉय नहीं कर पाओगे आप। एक महीना रह लोगे ना सर से डाउन हो जाओगे ब्रो, मैं बोल रहा हूँ पूरा ये डाउन कर देगा आपका, समझे, नहीं क्या। तो बस लाइट 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 भी नहीं, स्ट्रीट लाइट भी नहीं दिखता ठीक से, मैं गोवा को डिस नहीं कर रहा हूँ ब्रो, बस मैं बस बोल रहा हूँ कि अच्छी जगह है, अपने पर्सपेक्टिव में अच्छी जगह है ना, लॉन्ग टर्म के लिए प्लीज़। मेरे को ना समझ ही नहीं आता कि मेरा टाइम कैसे कट जाता है। अभी मैं वहाँ से निकला ना, उसके बाद रास्ते में एक बंदा मिल गया मेरे को, दोस्त था, तो उससे बात करने लग गया मैं। अभी उससे बात करते करते मैं करते करते मैं लाइट किधर आएगा, हाँ अभी ठीक है थोड़ा, तो उससे बात करते करते मेरे को पता नहीं चला कब 9:30 बज गया, अभी 10 बजने को है, ठीक है। पूरी रोड सुनसान, मैं अकेले, अभी कुछ नहीं कर सकते, कल मंडे है, मंडे से ऑफिस, आप लोगों को ब्लॉग ट्यूजडे या वेडनेसडे को देखने के लिए मिलेगा, तो आप लोग तो क्या बताओ, ऐसी सीन ऐसी चलता है। संडे को हुआ, अभी सुबह उठा 12 बजे, खाना वाना बना खाया, देखा 3 बज गया, थोड़ा बहुत अपना काम किया सोशल मीडिया में इधर उधर देखा, 6 बज गया, बाहर निकला 10 बज गया, अभी रूम जाऊंगा सो जाऊंगा, खत्म, दुनिया ही दिन ही खत्म हो जा रहा है ब्रो, समझ ही नहीं आ रहा लाइफ कैसे कटते जा रहा है धीरे धीरे। तो एक ही चीज़ बोलूँगा लास्ट ना वीडियो में, एक चीज़ बोलता हूँ, जितना फुलेस्ट हो सकता है ना लाइफ को उतना खींच के जियो भाई, कुछ चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ मत करो, मैं तुमको बोल रहा हूँ, जो टाइम जा रहा है ना वो चीज़ आएगा नहीं, फुल फ्लैक्स में रहो, फुल फ्लैक्स कर पूरा, मतलब ना कुछ चीज़ को रोको मत अगर सेटल्ड हो तो, ठीक है। बाकी
चलो तो इस वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं अपन ऐसी किसी अगली मजारूडम, तब तक के लिए पीस आउट। और सोचा था ना आजकल लास्ट के वीडियो में, वीडियो के लास्ट में ना एक बढ़िया सा मतलब एक चीज़ अपना जो फेस करता हूँ ना दिन में उसका एक आउटपुट निकाल के लास्ट में वीडियो के बोलूँगा, ऐसा करके मैं सोच के रखा हूँ। तो आज जो भी दिन में मैं फेस करता हूँ ना चीज़ आप लोग को मैं कंक्लूड करके बोलता हूँ, तो वो चीज़ आप लोग को शायद हेल्प करेगा। पीस 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 आउट पीस आउट।